सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। शिफ्ट हो गई है ना, मेरे लिए इससे बड़ी गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। पता है मैंने तुझे कितना मिस किया, डफर पहले क्यों नहीं आई? आई नो बाबा, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया, इसलिए इस गिफ्ट में इतना स्पेशल चीज देके आई हूं कि जिंदगी भर तेरे साथ रहेगी एंड इट्स वेरी स्पेशल। खोल 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 के देख। वाओ, सो ब्यूटीफुल। देखा, रीमा ने डायमंड की नई रिंग लाई है, जरूर उसने डाइवोर्स में मिले एलमिनी के पैसे से लाई होगी। हाँ, डाइवोर्स के बाद उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया था। क्या बात कर रही हो? राय के घर में रह रही है। ओह, आई सी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हाँ, क्या हो गया अगर डिवोर्स हुआ है उसका? तो डिवोर्स लेना कोई गलत बात नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है। और कई बार आप लाख कोशिश कर लो लेकिन कुछ रिश्ते वर्कआउट नहीं करते, बिग डील। ऐसे में तुम्हें अपनी फ्रेंड को सपोर्ट करना चाहिए और तुम गॉसिप कर रहे हो। रीमा, ये क्या कर रही है तू? वो तो बकवास कर रहे हैं। पर मुस्कान वो सही तो कह रहे हैं ना, डिवोर्स के बाद से मम्मी पापा ने मुझसे बात करना तक बंद कर दिया है और मेरे फ्रेंड्स ये भी मेरे बारे में ऐसा बोलते। मेरा कोई भी नहीं है। अच्छा, तेरा कोई नहीं है? मैं भी नहीं हूँ। रीमा, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। यू रियली आर माय बेस्ट फ्रेंड, आई लव यू। अच्छा, वो रिंग ये रही। दे, मैं पहनाती हूँ। सो प्रिटी। और केक, चल केक काटते हैं। सुन, मुझे तुझे किसी से मिलवाना है। किससे? यहाँ सब लोग तो हैं। वो एक्चुअली मुस्कान। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। थैंक यू। तुम हमेशा बहुत खूबसूरत लगती हो, लेकिन इस ड्रेस में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। मुस्कान, मुझे पता है कि हम सिर्फ 6 महीने से साथ में हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। Oh my God. मुझसे शादी करोगी? ये रिंग? ये रीमा ने मुझे पहनाई है। 1 मिनट। हाँ, आई लव यू। लव यू टू। मुस्कान, ये रीमा, ये वही है जिसे मैं तुझे मिलवाना चाहती थी। माय बॉयफ्रेंड एंड नाउ माय फियांसे राजीव, ये है वो रीमा, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हम बचपन से एक ही सोसाइटी में रहे हैं और आज तक एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। हाय रीमा, काफी कुछ सुना है मैंने मुस्कान से तुम्हारे बारे में। कमाल की बात है ना, आपने मेरे बारे में इतना कुछ सुना है और मैंने आपके बारे में कुछ नहीं। मुस्कान, मैं कुछ समय के लिए शहर छोड़ के क्या गई, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। व्हाट अबाउट अंकल एंड आंटी, वो तेरी लव मैरिज एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे, तू तो जानती है ना उनको।
वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जिस दिन राजीव की नौकरी लग जाएगी वो हम दोनों को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही उन्हें हमारे प्यार के बारे में पता चलेगा वो जरूर मान जाएंगे, है ना? इतना तैयार होकर किससे मिलने जा रही है? अरे वो मम्मी, मैं रीमा को मिलने जा रही हूँ। आज हम लंच पे जा रहे हैं ना, इसलिए। रीमा से मिलने जा रही है, राजीव से? मम्मी, ये फोटोज आप दोनों को? ये सब क्या है? तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी हर जरूरत पूरी की हमने, और तू लड़कों के साथ अय्याशा करके हमारे परवरिश का मजाक बना रही है? नहीं मम्मी, ऐसे मत बोलो। मैं और राजीव एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। चुप! तेरी शादी हम अपने पसंद के लड़के से करवाएंगे, समझी? आज से तेरा ये घूमना फिरना बंद। तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी अकेली, समझी? नहीं मम्मी, चुप! प्लीज। इसी रूम में बंद रहेगी तू। हाँ। पापा मेरी बात सुनो, पापा मेरी बात सुनो प्लीज। मम्मी, पापा, पापा दरवाजा खोलो। मम्मी, पापा मेरी बात सुनो, पापा, पापा एक मौका दे दो मुझे प्लीज, पापा मेरी बात सुनो, पापा। हेलो मुस्कान, कहाँ है यार, कितना लेट हो गया, तो अभी तक नहीं पहुंची घर, मैं वेट कर रही हूँ तेरा। क्या हुआ, तो रो क्यों रही है? रीमा, मम्मी पापा को राजीव के बारे में पता चल चुका है और उन्होंने मुझे रूम में बंद कर दिया है। व्हाट मैन, पर राजीव के बारे में तेरे मम्मी पापा को कैसे पता चला? पता नहीं यार, किसी ने मेरी और राजीव की फोटो उन्हें भेज दी है। कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी हरकत कौन कर सकता है। पता नहीं किसने किया। तेरी मम्मी पापा को जाके बताना, I don't understand. But तो टेंशन मत ले, मैं अभी आती तेरे पास, ओके? रिलैक्स। बाय। मुस्कान, मुस्कान, मेरी जान, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. नहीं, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी, तुम सिर्फ मेरी हो। मुस्कान, तुम सिर्फ मेरी हो। ये घर अब सिर्फ तुम्हारा और मेरा है मुस्कान, आई लव यू। मुस्कान, बस कर बाबा, क्यों इतना रो रही है, क्यों इतना टेंशन ले रही है? सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे? मम्मी पापा मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरी कॉलेज, मेरी पढ़ाई, और अभी तो कॉलेज में प्लेसमेंट्स भी शुरू होने वाली है। मैं इतना सब कैसे मैनेज करूंगी? तू एक काम कर, तू ना घर से भाग जा। तू पागल हो गई है क्या रीमा? ऐसे कैसे घर छोड़कर चली जाऊं? और वैसे भी राजीव भी अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। मैं तो अकेली रहती हूँ ना, तो मेरे घर पे आ सकती है जब चाहे, जैसे चाहे, तू बिल्कुल बिंदास रह सकती है। Are you sure? Of course, yeah. एक काम कर, तू ना सारी पैकिंग करके रेडी रहना, मैं तुझे कल आऊंगी लेने के लिए। ऑलराइट? थैंक यू सो मच रीमा। इट्स ओके, बाय। कैसा लगा?
मुस्कान, कैसा लगा तुम्हें मेरा ये छोटा सा प्यारा सा घर? बहुत प्यारा है। ओहो, इतने प्यार ऐसे चेहरे पे, इतना सारा स्ट्रेस, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो आ जाओ बैठो। थैंक यू रीमा, मुस्कान की मदद करने के लिए। कम ऑन राजीव, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाद में, मेरी बेस्ट फ्रेंड पहले है ना? और मैंने जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ तुम्हारे लिए किया। यू डिजर्व द बेस्ट। थैंक यू। अब राजीव, आई थिंक तुम्हें अब चलना चाहिए, क्योंकि इसके घर वाले तुम्हें फोन जरूर करेंगे, और उस टाइम अगर तुम घर पे नहीं हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? जान, मैं जाता हूं। अपना ख्याल रखना। मुस्कान, तू थक गई होगी ना, ये ले पानी पी। अरे हाउ स्वीट। यू आर वेलकम। रीमा, तुझे राजीव कैसा लगा? ठीक है। ठीक है मतलब वो तुझे पसंद नहीं आया? मुस्कान, तू मेरे लिए ना वर्ल्ड की सबसे सुंदर और सबसे प्यारी लड़की है, एंड यू ओनली डिजर्व द बेस्ट। और मुझे नहीं लगता तुझे मुझसे ज्यादा अच्छा और कोई मिल सकता है। हाँ मेरी जान, लेकिन हम शादी थोड़ी कर सकते हैं। क्यों नहीं? क्या? मजाक कर रही हूँ बाबा। अच्छा सुन, मुझे पता है तुझे जल्दी जल्दी में पैकिंग का टाइम नहीं मिला होगा ना, तो मैं तेरे लिए ना बहुत प्यारे प्यारे सेक्सी सेक्सी कपड़े लेके आई हूँ। रियली? ऑफ कोर्स, चल तुझे दिखाती हूँ। अरे क्यों ले रही है? मैं हूँ ना। तू स्ट्रेस मत ले, तू सिर्फ रिलैक्स कर, एंजॉय कर। चल आ जाओ। ये देखो मैंने सब रखी है। वाओ रीमा, ये तो बहुत प्रिटी है। मैंने कहा था ना तुम्हें अच्छे से मेरे अलावा और कोई नहीं जान सकता। लो पहन के बताओ। अभी आई। या सो व्हाट डू यू थिंक? हेलो, उतनी भी अच्छी नहीं लग रही हूँ? नो रियली, तुम बहुत ही प्रिटी लग रही हो। आई थिंक बस एक प्यारी सी इयररिंग पहनोगी ना, एंड देन योर लुक इज कंप्लीट। माय क्यूटी पाई। गुड मॉर्निंग। Good morning, babe. How are you? Slept well? Yeah. Wow. ये सब क्या है? Welcome to Rima's kitchen. So, what would you like to have? Some fruit bowl, sandwich, या आलू पराठा? मेरी best friend ने बनाया है, वो भी इतने प्यार से मेरे लिए breakfast बनाया है। मैं तो सब कुछ खाने वाली हूँ। तुम्हें खिलाने के लिए बनाया। बहुत भूख लग रही है। So, हाँ। Oh wow. Bread butter. अच्छा लगा? Yummy. I'm so hungry. Let me try this. Don't judge me. It's okay, go on. Wow. Love you. Wow. अब आराम से पहले मैं बाकी चीजें खा लूं, फिर तरबूज पंच करूं। अरे पता ही नहीं चला। राजीव, हेलो। हाय बेबी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जान, क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। हाँ खुश होने वाली बात ही है, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड ने इतने प्यार से मेरे लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया है। यू हैव नो आइडिया उसने क्या क्या बनाया है। वन सेकेंड, तुम्हें भी इससे आकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और शादी के बाद मुझे बिल्कुल इसी तरह से खाना खिलाना तुम भी। अगर नहीं खिलाया ना तो तुम्हें छोड़कर मैं इसके साथ रहने लगूंगी। जैसा तुम कहो मेरी जान। अच्छा सुनो, एक काम करो, नाश्ता करने के बाद फिल्म देखने चलोगी? मूवी? ठीक है। तो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, उसके बाद फिल्म देखने चलते, मैं टिकट बुक करा देता हूँ। डन। क्या हुआ? मूवी का प्लान बना रहा है। आई थिंक मैंने बहुत खा लिया,
मुझे निकालना चाहिए। अरे रुक, जूस तो पी ले, एनर्जी रहेगी। अच्छा थोड़ा सा हाँ। बस और नहीं, अब कहाँ का रखा है तूने? दरवाजे के पीछे। चल ठीक है, मैं निकलती हूँ। बाय बाय। छोड़ना, एक काम कर, तू नहाने जाते को लेट हो रहा है, तेरे को मूवी जाना है राजीव के साथ, तो जा, मैं ड्रेसिंग कर लूंगी, जा। तू पागल हो गई है क्या? हाँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैं ऐसे हालत में छोड़कर के मूवी देखने जाऊं? जल्दी से बता, तूने मेडिसिन बॉक्स और कॉटन कहाँ रखे? एक्चुअली घर पे नहीं है। तू रुक, मैं मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आई अभी। अरे नहीं, आ रही हूँ ना, जल्दी आ जाऊंगी। प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। हेलो मुस्कान बेटा, बेटा हमें माफ कर दो बेटा, प्लीज हमें माफ कर दो, वापस आ जाओ बेटा। हाँ बेटा, तू जिससे कहेगी उससे हम तेरी शादी करवा देंगे, बस लड़का अच्छा हो और हमेशा तुझे खुश रखे बेटा, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। हाँ बेटा प्लीज बेटा वापस आ जाओ बेटा। अब नमस्ते आंटी, मैं रीमा बोल रही हूँ। रीमा, मुस्कान तुम्हारे साथ है बेटा? जी आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, मुस्कान बिल्कुल ठीक है और वो मेरे साथ में है। रीमा बेटा, मुस्कान को बोलो वो जो बोलेगी वो हमको मंजूर है, बस उसको यहाँ पे लेके आ जाओ बेटा जल्दी से। तुम अब एक्चुअली वो कहीं बाहर गई है दवा लेने के लिए, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा, वो जैसा कहेगी हम करने के लिए तैयार है बेटा, हम राजीव को अपना दामाद बनाने के लिए भी तैयार है। प्लीज बेटा उसे लेकर आओ। आंटी अंकल, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं उसको लेके आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। ठीक है आंटी। मुस्कान सुन ना, तू लेट हो रही होगी, तू जा नहाने, मैं खुद ड्रेसिंग कर लूंगी। तू चुप करके बैठ जा, जल्दी से अपना हाथ दे मुझे। अरे इट्स ओके, अब तो मुझे बैठना, कितना खून बह गया होगा। अरे पर मुस्कान, अब तो मुझे दर्द भी नहीं हो रहा और खून भी बंद हो गया। मिनट के लिए चुपचाप नहीं बैठ सकती? पूरे वक्त हड़बड़ी में रहती है तू। सॉरी बस ठीक हो जाएगा ये, जल्दी से हाथ दे। सुने काम कर, तू चली जा मूवी के लिए, तेको लेट हो रहा होगा। मैं ठीक हूँ, इनफैक्ट मुझे ऑफिस का कुछ काम भी है तो मुझे जाना पड़ेगा। Are you sure? 110% sure. पक्का? पक्का बाबा, थैंक यू सो मच। चल बाय, ख्याल रख अपना। अंकल, आंटी, अंकल, आंटी जी, नमस्ते। अरे रीमा, ये आपके लिए। रीमा, तुम अकेले आई हो, मुस्कान कहाँ है?
अब आंटी उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं उसे फोन करके बुला लूंगी, पर उसके पहले मुझे आप दोनों से अकेले में कुछ बात करनी थी। पर बेटा हमने तो कहा ना कि हमें मुस्कान की सारी शर्तें मंजूर है, वो जिससे चाहे शादी करे, बस बेटा लड़का अच्छा होना चाहिए। वही तो मैं बताना चाह रही हूँ, राजीव अच्छा लड़का नहीं है, वो मुस्कान को इतना खुश नहीं रख सकता जितना कि मैं रख सकती हूँ। रीमा तुम ये क्या कह रही हो? मैं आपकी बेटी मुस्कान से बहुत 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 प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। ये कैसा मजाक है? दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? अंकल ये सच है, मैं आपकी बेटी से प्यार करती हूँ। अंकल आप खुद ही सोचिए ना, मैं मुस्कान को बचपन से जानती हूँ, बचपन से देखा है मैंने उसे, उसकी हर छोटी बड़ी आदतें, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ पता है मुझे। जितना मैं उसे खुश रख सकती हूँ ना, उतना कोई नहीं रख सकता। और आंटी अब तो दो लड़कियों का साथ रहना भी कानून को मंजूर है, तुम लड़कियां अगर प्यार करती तो कोई गुनाह नहीं है वो। देखो बेटा दो लड़कियों का प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन मुस्कान तुम्हें उस तरह से प्यार नहीं करती है। करेगी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं उसका प्यार जीत लूंगी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। अंकल अंकल मैं सच कह रही हूँ, आप दोनों सिर्फ अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रख दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए प्लीज अंकल। एकदम चुप, बहुत हो गई बकवास तुम्हारी। कब से हम तुम्हारी बातों का लिहाज करते जा रहे हैं और तुम होगी बकवास करती जा रही हो। एक बार कहा ना मुस्कान तुम्हें उस तरह से पसंद नहीं करती जिस तरह से तुम समझती हो। अब समझी मैं तुम्हारा प्लान, तुम मुस्कान को इसलिए यहाँ से भगा कर लेके गई थी ना ताकि तुम उसका मन जीत सको। देखो मुस्कान हमारी बेटी है तो उसी से शादी करेगी जिससे वो चाहती है, समझी? और हम उसी से उसकी शादी करेंगे। चलो महेश मुस्कान को फोन करो। मेरा प्यार मंजूर नहीं था ना, इसलिए तुम दोनों जीने के लायक नहीं हो। हाँ राजीव बोलो। रीमा कल मेरी और मुस्कान की एनिवर्सरी है, सो मैं मुस्कान के लिए कुछ स्पेशल प्लान करना चाहता हूँ, मुझे कैफे मिल सकती हो? ठीक है तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। ओके ग्रेट। हाय राजीव, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? हाँ रीमा वो ये क्या लगा है तुम्हारे? वो दरअसल मैं पेंटिंग की वर्कशॉप में गई थी तो आई थिंक पेंट कलर लग गया होगा। एनीवेज मैं साफ कर लेती हूँ, तुम मुझे बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रीमा मुस्कान मेरी वजह से बहुत परेशानी से गुजर रही है, मेरे लिए अपने माँ बाप से भी दूर रह रही है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। कल हमारी एनिवर्सरी है तो मैंने उसके लिए यहाँ पर एक सरप्राइज पार्टी प्लान की है। हाँ, और उसके एक फोटो का कोलाज भी बनाया। नाइस। पसंद आएगा ना उसे? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। बस तुम उसे कल यहाँ पर किसी भी तरह ले आना। श्योर, मैं लेके आ जाऊंगी। ठीक है। हाँ, बाय। अपने प्यार को हासिल करने का जज्बा जहाँ इंसान को अर्श पर बिठा सकता है, वही जज्बा इंसान को फर्श पे भी गिरा सकता है। नमस्कार, मैं सुधा चंदन एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में। प्यार करने में कोई बुराई नहीं, फिर चाहे वो प्यार लड़का लड़की के बीच हो, दो लड़कों के बीच हो या फिर दो लड़कियों के बीच, लेकिन बहुत जरूरी ये है कि प्यार अपनी मर्जी से हो, ना कि कोई मजबूरी या जोर जबरदस्ती से। आज हमारा संविधान सेक्शन 377 को हटाकर LGBT लोगों को बराबरी का सम्मान दे रहा है। उनका परिवार, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार उनकी भावनाओं को समझकर उन्हें इज्जत दे रहा है। लेकिन रीमा ने अपनी दोस्त मुस्कान के साथ क्या किया? प्यार के नाम पे उसके घरवालों को मार दिया। रीमा के प्यार की ये दीवानगी
आगे कौन सा हैवानियत का मोड़ लेगी, आइए देखते हैं। रीमा कैसी दिख रही हूँ? Always sexy and beautiful. Thank you. But मुस्कान, ये ड्रेस तो मैंने तुम्हें दी थी, भाई। हाँ, आज मेरी और राजीव की एनिवर्सरी है और मुझे पूरा यकीन है वो मेरे लिए आज कुछ स्पेशल करने वाला है और इसलिए मुझे भी स्पेशल दिखना चाहिए ना। एंड बाय द वे आई हैव टू टेल यू दिस, उसने होटल में एक रूम बुक किया है। आई एम श्योर पार्टी के बाद वो मुझे वहीं लेके जाने वाला है और उसके लिए मैंने एक नाइटी भी रख ली है बैग में। Isn't this cool? चलो लेट हो रहा है, अपन चलते हैं। चलो चलो। Happy anniversary, baby. Happy anniversary, my love. केक कटिंग करें? हाँ? राजीव, I'm sorry, राजीव। I'm really sorry. मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। क्या कह रही हो तुम? कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। प्लीज राजीव, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या बकवास कर रही है? कौन है ये राजीव? उसका ये झूठ बोल रही है, मैं इसका नाम भी नहीं जानता हूँ। राजीव, मैं तुम्हारी श्रद्धा हूँ। प्लीज राजीव, जो भी हमारी गलत फहमियां हुई थी उन्हें भूल जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ। राजीव, अपना भद्दा मजाक बंद करो, समझी? आखिर चाहते क्या हो तुम? राजीव, मैं बस यही चाहती हूँ कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसका बाप बाहर हो। राजीव, हमारे बीच में जो भी गलत फहमियां हुई है प्लीज उन्हें भूल जाओ। मुझे और मेरे बच्चे को ऐसे मत अकेला छोड़ो। बकवास बंद करो, समझी ना? अपनी बकवास बंद करो। घटिया मजाक है राजीव। मुस्कान, चलो यहाँ से। मुस्कान, 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 एक मिनट। मुस्कान पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब ये सिर्फ मेरी और मैं इसका ख्याल रखूंगी। पकड़ो अपनी रिंग। चलो मुस्कान यहाँ से। मुस्कान, मत देखो उसकी तरफ। मुस्कान, 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 it's okay. मुस्कान, वो स्टूपिड लड़का है। यार ये स्टॉप क्राइंग प्लीज। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूं ना नीमा, 6 महीने के रिश्ते के लिए अपना घर छोड़कर आ गई, अपनी फैमिली को छोड़कर आ गई। मैं कहाँ जाऊंगी रीमा, मैं क्या करूंगी अब? मुस्कान, what do you mean by तुम कहाँ जाओगी? तुम मेरे साथ मेरे घर में यहाँ पर रहोगी? मैं डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सीरियसली रोना बंद करो प्लीज। मुस्कान, तो कैसा फील कर रही है मैं समझ सकती हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब मेरा डिवोर्स हुआ था ऐसा लगा था पूरी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन हाथ में सब कुछ ठीक हो गया। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। और ये जो लड़के होते हैं ना, ये सिर्फ लड़कियों को रुलाते हैं और कुछ नहीं करते। तो टेंशन मत लो, मैं हूं ना, तुझे कभी रोने नहीं दूंगी। रोना बंद कर, तो यहीं पर रुक, मैं 2 मिनट बाद आती हूँ, ठीक है? एंड चेयर अप नाउ, ओके? ड्रिंक। ये सब क्या है? मुस्कान, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और उस झूठे लड़के से, और तुम्हारी लाइफ से निकल चुका है वो, सो वी शुड सेलिब्रेट दिस मोमेंट, राइट? कम ऑन, चीयर अप। चीयर्स।
लड़के भी कितने मतलबी होते हैं ना, तो मुझे किसी लड़के को डेट नहीं करना, मुझे बस तेरे साथ ही रहना है हमेशा इसी तरह। आई लव यू द मोस्ट एंड आई लव यू टू मुस्कान, एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगी। रीमा तो ये क्या कर रही है? मुस्कान तुमने ही तो बोला था ना मुझे लव नहीं। हाँ लेकिन एक फ्रेंड की तरह। रीमा कहीं तो मुझे एक दोस्त से ज्यादा पसंद करती है क्या? नहीं मैं तो बस मजाक कर रही थी। रीमा ये मजाक नहीं लग रहा था, सच बता तुझे मेरी कसम। हाँ मुस्कान मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अभी से नहीं बचपन से करती आ रही हूँ, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई तुमसे भूलने के लिए। लेकिन अब मैं पूरी दुनिया को बोलने के लिए तैयार हूँ दैट यस आई डू लव यू, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। रीमा 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 आई एम सॉरी अगर मैंने तुझे कोई वैसा वाला सिग्नल दिया हो, मुझे नहीं पता था कि तू लड़कियों को उस तरह से देखती है। मतलब नहीं मुस्कान मैं हर लड़की को वैसे नहीं देखती हूँ, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो और सिर्फ तुम। लेकिन रीमा मैं तुझे सिर्फ एक दोस्त की नजर से देखती हूँ, हमारी दोस्ती में कभी कुछ नहीं बदलेगा, मेरे मन में तुम्हारे लिए हमेशा इज्जत बनी रहेगी, लेकिन मैं तुझे वैसा प्यार नहीं दे सकती, समझना प्लीज मुस्कान, मुझे बस एक मौका दे दो। आई प्रॉमिस तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, प्लीज। रीमा तो प्लीज ऐसे मत रो, तू जैसी है मुझे पसंद है, लेकिन मैं तुझे वैसा प्यार नहीं दे सकती, और ऐसा होना हमारे हाथ में तो नहीं है ना। देख अगर तुझे मेरे यहाँ रहने से अनकंफर्टेबल फील होता है तो मैं चली जाऊंगी। नहीं 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 तू यहीं पर रह, मुझे तेरे यहाँ रहने से बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं होता है, हम एक नहीं हो पाए तो क्या हो गया, तो सस्पेंस तो रह सकता है ना। हाँ बिल्कुल, अब रोना बंद कर। गॉड अब मुस्कान वो मैं बहाने मत बना, मुझे पता है तू क्या करे। देख मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं वैसी नहीं हूं और मैं जब भी शादी करूंगी किसी लड़के से ही शादी करूंगी। रीमा और मुस्कान बचपन से दोस्त हैं, हमेशा से करीब रहे हैं, लेकिन रीमा की भावनाओं की जानकारी के बाद मुस्कान को उसका करीब आना खलने लगा। अगर आप आसपास नजरें घुमाएं, तो आप देखोगे कि लड़कियां हमेशा गैर मर्दों से एक अंतर बनाकर चलती हैं, जिससे वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है। मुस्कान भी इन्हीं भावनाओं की वजह से रीमा से दूरी बना रही थी, लेकिन वो अभी भी रीमा की दीवानगी से वाकिफ नहीं थी। क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि रीमा उसका प्यार हासिल करने के लिए कौन सी हद पार कर चुकी है? कैसा लग रहा हूँ मैं? रीमा ये हो क्या गया तुझे? ये क्या पहना है तूने? मैं तेरे लिए लड़का बन के आई हूँ।
तो बस एक बार हाँ कर दे, आई प्रॉमिस मैं ऑपरेशन भी करवा लूंगी। गॉड, बस करो, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। ये रही तेरी रिंग, मैं अब एक मिनट भी नहीं रह सकती यहाँ पे। मुस्कान, मुस्कान प्लीज, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें सिर्फ एक बार पाना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज मुस्कान से मर जाओ। इन्ना पे जन्ना प्रीमा, प्लीज मुझे जाने दे। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो, मम्मी पापा का मर्डर? मुस्कान, मुस्कान जी, आपके घर वालों के साथ जो कुछ भी हुआ, आई एम रियली सॉरी। गलती मेरी है इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने प्यार के लिए अपने मम्मी पापा को छोड़कर चली गई और मेरे जाने के बाद ही। देखिए, जो कुछ हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, आपके घर वालों के कातिलों को हम जरूर पकड़ सकते हैं। ये मामला चोरी का नहीं है, आपके घर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, यहाँ तक कि आपकी मम्मी ने जो गहने पहने हुए थे वो भी चोरी नहीं हुआ। आपको किसी पे शक है? नहीं सर, हमारी बड़ी सिंपल सी फैमिली, कोई क्यों ही हमारे साथ ऐसा करेगा। एक बात और मुस्कान जी, आपकी मम्मी के फोन से आखिरी कॉल आपके फोन पर आया था, तो उनसे आपकी क्या बात हुई? नहीं तो, नहीं सर, मेरी उनसे बात ही नहीं हुई। इनफैक्ट घर छोड़ने के बाद मेरे मम्मी पापा दोनों से कभी बात ही नहीं हुई। Sorry. कोई बात नहीं, हम कॉल रिकॉर्ड फिर से चेक करते हैं, शायद कोई टेक्निकल इशू हुआ हो, जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू, चलो। मुस्कान, राजीव तुम यहां क्या करने आए हो? मुस्कान, मुस्कान मैंने तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में सुना, इसलिए तुमसे मिलने आया हूं। तुम्हें इससे मिलने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर हूँ इसका ख्याल रखने की, जाओ यहाँ से। मुस्कान प्लीज, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, मैं इसे निकाल दूँगी। निकलो तुम, निकलो यहाँ से। रीमा, मुस्कान, मुस्कान आई लव यू। मुस्कान वो लड़की श्रद्धा वो कौन है, कहां से आई, उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता, वो लड़की झूठ बोल रही है। देखो राजी, मैं इस वक्त बहुत परेशान, मम्मी पापा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद रीमा वो आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रही है। रीमा क्या किया रीमा ने? रीमा मुझसे प्यार करती है तो उससे कुछ ज्यादा ही नहीं, मैं उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि हम दोस्त रह पाएंगे। देखो मेरे दिमाग में आजकल बहुत कुछ चल रहा है, तुम प्लीज यहां से चले जाओ, मैं तुम्हारे बारे में अभी नहीं सोचना चाहती, प्लीज। मुस्कान, तुम रो मत, सब में तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। देख, कुछ देर में पंडित जी आ जाएंगे पूजा कराने के लिए, हमें काम करते हैं, घर चलते हैं। तुम अपना सामान पैक करो और मैं तब तक पूजा का सामान ले लूंगी। ओके, गुड। कौन हो तुम और क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी?
बोलती हो, पुलिस को फोन करूं अभी? नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं एक छोटी सी मामूली एक्टर हूँ, मुझे तुम्हारे बच्चे की माँ बनने के लिए पैसे मिले थे। किसने दिए पैसे तुम्हें? वो मुस्कान की फ्रेंड रीमा ने। मुस्कान ये लो पानी पियो, तुम टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो तुम सारी पैकिंग करो जब तक मैं बाहर से कुछ सामान लेके आती हूँ। थैंक यू। मुस्कान अब तुम मुझे थैंक यू बोलोगे? फ्रेंडशिप में नो सॉरी एंड नो थैंक यू भूल गई? मैं आती हूँ। राजीव तुम बार बार क्यों फोन कर रहे हो मुझे? मैंने कहा ना मुझे नहीं बात करना तुमसे, मुझे सोचना ही नहीं है तुम्हारे बारे में यार। मुस्कान प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो तुम। मुझे वो लड़की मिली थी श्रद्धा, वो एक एक्टर है, उसे रीमा ने सब कुछ करने के लिए नाटक करने के लिए पैसे दिए थे ताकि हमारा ब्रेकअप हो जाए। मुस्कान मुझे लगता है ये रीमा बहुत खतरनाक लड़की है, हो सकता है तुम्हारी माँ बाप की मौत की जिम्मेदार भी वो। पुलिस ने कहा था कि मम्मी ने आखिरी बार मुझे कॉल किया था पर मेरे फोन पर तो उनका कॉल आया ही नहीं था। इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं रीमा के घर पे हूँ। तुम वही रुको मैं अभी आता हूँ। पागल है, ये देखो ये देखो, कहीं उसने मम्मी पापा को तो नहीं मारा? मुस्कान हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, चले। चीफ तुम क्या क्या कर रहे हो? रीमा ये सब क्या पागलबंदी है? क्या है क्या है ये सब? तूने पैसे दिए थे ना श्रद्धा को कि वो राजीव के बच्चे की मौत बनने का नाटक करे? क्यों किया था तूने ये सब? क्यों किया था तूने मुझे? तू मुझे प्लीज समझाने का मौका दो मुस्कान प्लीज, मैंने प्यार में कुछ सही गलत नहीं देखा और हमारा रिश्ता बर्बाद कर दिया। इतने घटिया इंसान हो तुम, इसे प्यार करने का वादा करते उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती तुमसे। चुप, बिल्कुल चुप। जितना मैं उसे खुश रख सकती हूँ ना उतना कोई नहीं रख सकता है। मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी बताओ, बताओ ना तुम। क्यों किसी को मेरा प्यार नहीं समझ में आता है? ना तुम्हें ना तुम्हारे माँ बाप को। माँ बाप? तुम मम्मी पापा से मिली थी? तूने मेरे ही फोन से उनसे बात की थी क्या? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? उसका ना सिर्फ मैं मिली थी बल्कि सच सवर के तुम्हारे घर पे गई थी, तुम्हारा हाथ मांगने गई थी, पर तूने हमारा रिश्ता नहीं अपनाया। तूने उन्हें मार डाला। मुस्कान, मुस्कान सच में मैं ये नहीं करना चाहती थी पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। दूर हटो। सिर्फ मेरी है, दूर हट जाओ उसे, दूर। मुस्कान सिर्फ और सिर्फ मुस्कान। मुस्कान मुस्कान मुस्कान
मुस्कान, मुस्कान। मुस्कान को मारो। मेरी मुस्कान को मारा तूने। तूने हमारा रिश्ता बर्बाद कर दिया। तेरी वजह से मुस्कान मुझे छोड़कर चली गई। मत मारो उसे। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम किसी की जान लो। जुर्म करो तो बस पुलिस के हवाले कर देना। मेरी मम्मी पापा और मेरा बदला लेना, हमें इंसाफ दिलाना। I love you. मुस्कान, 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 आंखें खोलो मुस्कान, 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 एक बार, मुस्कान एक बार आंखें खोल दो प्लीज। हेलो, पुलिस स्टेशन। कहते हैं प्यार की हद नहीं होती, लेकिन प्यार में दीवानगी की हद होती है। और अगर दीवानगी अपनी हद पार कर जाए तो उसे पागलपन या जुनून कहते हैं। जैसे आपने देखा, कभी कभी ये फितूर जानलेवा भी हो सकता है। मुस्कान के हौसले ने राजीव को रीमा की जान लेकर गलत काम करने से रोका और उसे जेल भेजने की सलाह दी, वरना आज राजीव जेल में होता। इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए, प्यार किसी से भी करना गुनाह नहीं, लेकिन प्यार में कभी बंदिशें नहीं होती। प्यार करना हम सबका अधिकार है। असली प्यार हमेशा आजाद होता है और प्यार का रास्ता कभी जुर्म से नहीं गुजरता। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।